भारत दौरे से पहले ट्रंप ने दिए संकेत, इस दौरे में अमेरिका फिलहाल भारत से नहीं करेगा कोई बड़ा कारोबारी समझौता। साथ ही बोले ट्रंप, मैं मोदी को बहुत पसंद करता हूं। ट्रंप ने यह भी कहा, भारत के साथ बड़ा कारोबारी समझौता होगा लेकिन ये अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले होगा ये कह नहीं सकता। ट्रंप के दौरे को लेकर एक्शन में सीएम योगी, आगरा में तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ ली बैठक। 24 फरवरी को दो दिवसीय दौरे पर आएंगे ट्रंप, ताजमहल का करेंगे दीदार। आगरा में ट्रंप के दौरे की खास तैयारी, गंगा का पानी यमुना में मोड़ा गया, यमुना में छोड़ा गया 500 क्यूसिक पानी, ताजमहल के पीछे भरी नजर आएगी यमुना। ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद में जबरदस्त तैयारी, दीवारों पर बनाई गई मोदी ट्रंप की पेंटिंग। एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक रोड शो करेंगे पीएम मोदी और ट्रंप, 22 किलोमीटर रोड शो की तैयारी, स्वागत के लिए मोटेरा स्टेडियम तैयार। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के मुताबिक नमस्ते ट्रंप में करीब 1,00,000 लोग करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का करेंगे उद्घाटन। साबरमती आश्रम जाएंगे अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप, पीएम मोदी भी होंगे साथ। ट्रंप के दौरे से पहले अहमदाबाद में झुंगी बस्ती के 45 परिवारों पर मंडराया संकट, कब्जा खाली करने का भी जगह नोटिस। अहमदाबाद नगर निगम ने कहा, झुंगी बस्ती के 45 परिवारों के नोटिस का ट्रंप के दौरे से कोई नाता नहीं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज पहली बैठक दिल्ली में, रामलला के वकील के परासरन के घर पर होगी मीटिंग। परासरन के घर बैठक में तय होगी राम मंदिर निर्माण की शुरुआत की तारीख। राम मंदिर निर्माण पर हो रही आज की बैठक में न्यासियों की नियुक्ति पर भी होगा फैसला, दो ट्रस्टियों की होगी नियुक्ति। कुछ लोगों की है राय, अप्रैल के पहले सप्ताह में राम नवमी के दिन शुरू हो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य प्रयागराज के वासुदेवानंद सरस्वती बोले, ट्रस्ट में राम मंदिर न्यास के प्रमुख महंत गोपाल दास को शामिल करने पर भी चर्चा करेंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के दान इकट्ठा करने की बनाई योजना, गांव से जुटाएंगे मंदिर निर्माण का सोना। रामालय न्यास ने देश के हर गांव से राम मंदिर निर्माण के लिए ग्राम सोना जुटाने की बनाई योजना। राम मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने स्वरूपानंद के राम मंदिर निर्माण का दान जुटाने का किया विरोध, कहा किसी व्यक्ति या स्वतंत्र संस्था को नहीं होगी इसकी इजाजत। अयोध्या के संतों ने भी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रयासों का किया विरोध, राम मंदिर के लिए दान जुटाने को बताया बड़ा धोखा। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों पर बोले बीजेपी नेता और ओलंपिक पदक विजेता रेसलर योगेश्वर दत्त, सीए का विरोध करने वालों को कानून की जानकारी नहीं। आज शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त वार्ताकार, शाहीन बाग जाकर रास्ता खुलवाने पर करेंगे बात। दोपहर बाद शाहीन बाग जा सकती है वार्ताकारों की टीम, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किए हैं 3 वार्ताकार। संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्ला को सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के लिए नियुक्त किया है, वार्ताकार स्वास्थ्य कारणों से बाहर थे, आ जाएगी दिल्ली। वार्ताकारों से बातचीत को राजी है शाहीन बाग में सड़क पर डटे प्रदर्शनकारी, धरने को हटने को तैयार नहीं, कहा सीए हटने पर ही खत्म होगा धरना। शाहीन बाग में धरने पर डटी दादी करेंगी वार्ताकारों से बातचीत की अगुवाई। जामिया में लाठीचार्ज छिड़ी वीडियो वॉर के बीच क्राइम ब्रांच की एसआईटी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पहुंची, लाइब्रेरी जाकर की पड़ताल। क्राइम ब्रांच की टीम ने लाइब्रेरी जाकर सीसीटीवी कैमरों की ली जानकारी, लाइब्रेरी में ही छात्रों पर लाठीचार्ज की जेसीसी ने जारी किया था वीडियो। एसआईटी ने जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन से की बातचीत, चीफ प्रॉक्टर से मदद लेकर कुछ छात्रों से की पूछताछ। जामिया हिंसा के बाद पहली बार पुलिस की टीम ने जामिया यूनिवर्सिटी का किया दौरा, लाइब्रेरी में हुए नुकसान का लिया जायजा की वीडियोग्राफी। जामिया मिलिया के एलुमनाई एसोसिएशन यूनिवर्सिटी में घुसने वाले पुलिस कर्मियों पर दर्ज कराया केस, हत्या की कोशिश और धर्म के अपमान का आरोप। जामिया के एलुमनाई एसोसिएशन का आरोप, यूनिवर्सिटी में घुसी पुलिस ने लाइब्रेरी में छात्रों को पीटा, तोड़े सीसीटीवी कैमरे। चेन्नई में सीए के खिलाफ प्रदर्शनकारी को लगा झटका, मद्रास हाईकोर्ट ने मुस्लिम संगठनों को तमिलनाडु विधानसभा का घेराव करने से रोका, साथ ही कहा ये आदेश का सीए एनआरसी और एनपीआर पर कोई राय नहीं। चेन्नई में मुस्लिम संगठनों ने की थी मांग, तमिलनाडु विधानसभा से पास किया जाए सीए एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव, सुबह 10 बजे विधानसभा के घेराव की तैयारी। मद्रास हाईकोर्ट ने सुनाया 11 मार्च तक आंदोलन रोकने का अंतरिम आदेश, फेडरेशन ऑफ तमिलनाडु इस्लामिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और उसके सहयोगी संगठनों को प्रदर्शन से रोका। टीआर बालू समेत तमिलनाडु के 11 सांसद आज राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात, सीए और एनआरसी के खिलाफ चलाए हस्ताक्षर अभियान का दस्तावेज सौंपेंगे, 2 करोड़ हस्ताक्षर का दावा। जामिया में सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़े कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, कोलकाता में दिखा अनोखा नजारा, रोबोट सोफिया ने की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकारों ने रोबोट सोफिया से शाहीन बाग सीए और एनआरसी से जुड़े सवाल किए।
Do you have any idea about Shaheen Bagh, ARC, or Citizenship Amendment Act? शाहीन बाग सीए और एनआरसी पर सवालों से जनता की तरह उलझी दिखी रोबो सोफिया, नहीं सूझा सीधा जवाब, लेकिन सोफिया ने इंजीनियर और मेडिकल एक्सपर्ट से जमकर किया संवाद। ट्राल में आतंकियों से सुरक्षा बल की हुई मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। ट्राल के दीवीर गांव में हुई आतंकियों से मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन के दौरान एक घर में छिपे मिले थे आतंकी। आतंकियों ने सुरक्षा बल से घिरने पर की फायरिंग, जवाबी गोलीबारी में मारे गए 3 आतंकी, अभी तक नहीं हुई पहचान। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और एनसी के विरोध के बाद चला पंचायत चुनाव, नजरबंद नेताओं की रिहाई की मांग। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव टलने पर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया का बड़ा खुलासा, किताब में किया जिक्र, हमले को हिंदू आतंकवाद से जोड़ना चाहता था पाकिस्तान और लश्कर ए तैयबा। राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में लिखा, आतंकी अजमल कसाब को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बेंगलुरु का समीर चौधरी बनाकर भेजा था। पाकिस्तान ने कसाब को बेंगलुरु के समीर चौधरी के नाम का पहचान पत्र सौंपा था। आतंकी हमले के दौरान अगर कसाब मारा गया होता तो उसकी यही पहचान सामने लाने की थी कोशिश। कसाब को हिंदू आतंकी साबित करने के लिए बाकायदा उसकी कलाई पर कलावा बांधकर भेजा गया था। मारिया ने किताब में किया जिक्र, कसाब को जेल में खत्म करने की भी पाकिस्तान ने रची थी साजिश, दाऊद गैंग को सौंपी गई थी सुपारी। राकेश मारिया के खुलासे पर मुखर हुए बीजेपी, राम माधव ने कांग्रेस पर किया सीधा वार, कहा आईएसआई तो प्लान में सफल नहीं हुई लेकिन कई कांग्रेस नेता और कुछ लोग इसे सफल बनाने की कोशिश में लगे। मारे के खुलासे पर आरएसएस ने किया कांग्रेस पर वार, इंद्रेश कुमार का बयान पाकिस्तान समर्थक और भगवा आतंकवाद का बयान देने वाले नेता यहां बनाना चाहते हैं आईएसआई का काम। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, हम आतंकवाद को आतंकवाद के रूप में देखते हैं, इसे किसी भी धर्म से नहीं जोड़ सकते। पाकिस्तान में हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह के मामले में कोर्ट से मिली पीड़िता को फौरी राहत, जकोबाबाद सेशन कोर्ट ने महक कुमारी को 2 साल के लिए शेल्टर होम भेजा। कोर्ट के मुताबिक दस्तावेजों में महक की उम्र महज 14 साल दर्ज पाई गई है, लिहाजा उनके फैसले को बालिक लड़की का फैसला नहीं माना जा सकता। आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, अमेरिका के साथ होने वाली डिफेंस डील को सीसीएस की मिल सकती है मंजूरी। रायपुर में सीए के खिलाफ प्रदर्शन में जुटी लेफ्ट नेता वृंदा करात। संध्या कमलनाथ के बीच सियासी घमासान में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव रुचि ठाकुर ने डाला तड़का, सिंधिया को पिता की पार्टी फिर से जिंदा करने के लिए नसीहत। रुचि ठाकुर ने सोशल मीडिया में लिखा, कांग्रेस की अनदेखी पर माधवराव सिंधिया ने 1996 में बनाई थी मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस पार्टी, ज्योतिरादित्य इसे करें पुनर्जीवित। शराब पर बयान देकर गिरे बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी, मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक वकील ने दी याचिका, 28 फरवरी को होगी सुनवाई। रतलाम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय चौहान ने एक कॉलेज के प्रिंसिपल को रतलाम में नहीं रहने के लिए धमकी, प्रिंसिपल के विजय कहने पर भड़के, पूछा जी क्यों नहीं लगाया। लखनऊ के मोहनलालगंज में बाइक के शोरूम में लगी भीषण आग, शादी समारोह में आतिशबाजी से जला शोरूम। बरेली में पुलिस ने 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार, लूट और हत्या में था हाथ। लखीमपुर खीरी में हुई अनोखी शादी, एक मंडप में 3 भाइयों ने साथ रचाया ब्याह, 3 सगी बहनें बनी दुल्हनिया। अलीगढ़ में कचेरी परिसर में सुरक्षा इंतजाम सख्त, लखनऊ और बिजनौर में कोर्ट परिसर में हमले के बाद बड़ी सुरक्षा। थाने में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। कस्टम विभाग ने चेन्नई एयरपोर्ट पर 2 किलो सोना सीज किया, एक शख्स गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। शिमला में 20 और 21 फरवरी को फिर होगी बर्फबारी, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। 65 साल के बुजुर्ग ने जीपीएस सिस्टम से खोजी अपनी चोरी हुई कार, कार में मिला चोरी का एटीएम, पुलिस को फौरन दी जानकारी। आंध्र प्रदेश के एटीएम में था लाखों का कैश, बुजुर्ग की हिम्मत के आगे कार छोड़कर फरार हुए थे चोर। तिरुवनंतपुरम में 2 शिक्षकों पर देवी देवताओं की तस्वीर और ओम लिखे प्रश्न पत्र छात्रों को देने पर लगा आरोप, सरकारी स्कूल ने दोनों को छुट्टी पर भेजा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे उज्जैन, महाकाल के किए दर्शन। कुल्लू में खस्ताहाल सड़कों की, बीमार और तीमारदार को चुकानी पड़ रही है कीमत, घायल शख्स को 4 किलोमीटर तक पीठ पर लादकर अस्पताल लाना पड़ा।
प्रयागराज में नवोदय विद्यालय के छात्रों का हंगामा, पुलिस पर बदसलूकी और मारपीट का लगाया आरोप। अलीगढ़ में एसपी नेता के बेटे की मौत के बाद बवाल, सड़क पर लाश रखकर परिजनों ने लगाया जाम। गाजियाबाद में सरेआम चाकूबाजी का वीडियो वायरल, भीड़ के बीच बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। हाथरस में शादी समारोह के दौरान जमकर चली कुर्सियां, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। कानपुर में बस और फॉर्चुनर की सीधी भिड़ंत, हादसे में बस ड्राइवर समेत 6 की मौत। चीन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2000 के पार पहुंची, वुहान में कोरोना का भीषण कहर। चीन के वुहान से कोरोना के कहर के बीच 35 भारतीयों को किया गया रेस्क्यू, तेलुगु इंजीनियर को दिल्ली से विशाखापट्टनम लाया गया। चीन में कोरोना के कहर से सोने के दामों पर पड़ा असर, मुंबई में महंगा हुआ सोना। भारत पर जल चढ़ेगा फुटबॉल फीवर, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का कार्यक्रम घोषित, 2 नवंबर को होगा पहला मुकाबला। देश के 5 शहरों अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और मुंबई में खेले जाएंगे अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप के मुकाबले, 16 टीमें खेले जाएंगे कुल 32 मैच। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने विराट कोहली को बताया महान बल्लेबाज, कहा क्रिकेट लेने के लिए नहीं कर सकते ज्यादा इंतजार। करीब 1.5 महीने बाद न्यूजीलैंड टीम में वापसी कर रहे हैं ट्रेंट बोल्ट, घायल होने की वजह से T20 और वनडे सीरीज नहीं मिला था मौका। शुक्रवार से वेलिंगटन में होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट और 2 मैचों की है सीरीज। आईसीसी ने 2023 से 2031 के बीच चैंपियंस कप कराने का रखा प्रस्ताव, टॉप 10 टीमें होंगी शामिल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान, मनप्रीत सिंह को कप्तानी, भुवनेश्वर में 21 और 22 फरवरी को होगा मुकाबला। लीबिया में गृह युद्ध की आशंका के बीच लोगों ने मनाई क्रांति की 9वीं वर्षगांठ, गद्दाफी की हत्या के बाद से हर साल मनाया जाता है जश्न। यूरोपीय संघ के मुख्यालय पहुंचे फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, साइबर सिक्योरिटी और डेटा गोपनीयता नियमों को लेकर चर्चा। अमेरिका के दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात, में सिटी और टेनेसी का कुछ हिस्सा जलमग्न। पश्चिमी इंग्लैंड और वेल्स में मूसलाधार बारिश और तूफान, समंदर में तब्दील हुआ रिहायशी इलाका। दुबई में फ्रांसीसी जेटमैन विंग स्ट्रफेट की हैरतअंगेज उड़ान, 8 सेकेंड में तय की 100 मीटर की दूरी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।